भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है, उन्हें कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है, हमें कश्मीरी पंडितों की चिंता है। कश्मीरी पंडित दिल्ली में जो रह रहे हैं उनके लिए जो केजरीवाल जी ने किया 233 टीचर्स को परमानेंट करना, बिना दस्तावेज के बावजूद जो बेचारे टीचर्स धक्के खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनको उनकी नौकरी को परमानेंट करना, उनकी पेंशन की व्यवस्था देना, जो जितने भी कश्मीरी परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उनको हर महीने प्रति व्यक्ति 3000 रुपए देना, ये सब काम कश्मीरी पंडितों के लिए किया गया। वो केवल कश्मीर फाइल चिल्लाते रहते हैं। आज कश्मीरी पंडित देशभर का चाहता है कि उसको वापस कश्मीर जाने का मौका मिले। उसने जो जमीन जायदाद अपनी छोड़ी वहां पे, उसके परिवार की पुश्तैनी जगह थी, बगीचे थे, घर थे, वहां वो जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी 8 साल से लगातार अब केंद्र सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उन कश्मीरियों के लिए? कुछ किया क्यों नहीं? देश का कश्मीर, देश भर में रह रहा कश्मीरी आज अपने गांव में, अपने कस्बे में वापस जाके अपने बच्चों को ले जाके दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उस जगह को रिवाइव करूं, उससे अपना संबंध रिवाइव करूं। तो भारतीय जनता पार्टी फेल रही पूरी तरह से, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल रही। आज केंद्र सरकार इस बात को माने, इस चर्चा से ना भागे, इन सवालों से ना भागे। हर साल आप मैनिफेस्टो में लिखते रहे हो कि हम कश्मीरियों का पुनर्वास करेंगे। 8 साल हो गए आपको केंद्र की सरकार में बैठे हुए, कश्मीरियों का पुनर्वास किया क्यों नहीं?